राधाभाग के सभाश्रम में स्थित मां कात्यायनी पीठ का शताब्दी समारोह विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के मध्य धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कात्यायनी ट्रस्ट के सचिव रवि दयाल ने बताया कि 51 शक्तिपीठों में शामिल मां कात्यायनी पीठ मंदिर के 100 वर्ष 5 फरवरी माघी पूर्णिमा को पूर्ण होने पर 29 जनवरी से 5 फरवरी तक शताब्दी वर्ष उत्सव के अंतर्गत श्रीमद्भागवत कथा एवं सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जहां 29 जनवरी से 4 फरवरी तक ठाकुर राधा रमण मंदिर के सेवायत श्रीवत्स गोस्वामी अपराह्न 3 से शाम 6:30 बजे तक श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण मां कात्यायनी और उनके भक्तों को कराएंगे। वहीं 5 फरवरी को प्रातः 10 बजे से 11:30 बजे तक विशेष 4 आरती संपन्न होंगी। क्या कात्यायनी माई का मंदिर वृंदावन में क्यों है? ये तो कृष्ण लीला की जगह है, तो कात्यायनी मैया और कृष्ण का क्या संबंध है? तो वो 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत में लिखा है कि कात्यायनी भिजे पारा, और उसमें है कात्यायनी महामाय महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो इसका अर्थ यह है कि गोपियों ने प्रार्थना की थी कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए, तो ये संबंध है कृष्ण का और कात्यायनी मैया। और ये जो राधा भाग है हमारा, यही जगह है यमुना किनारे जहाँ पर गोपियों ने ये आराधना की थी। तो इस वजह से केशवानंद जी महाराज ने यहाँ पर आकर कात्यायनी मंदिर कात्यायनी मैया की स्थापना की। ये 100 साल की सेलिब्रेशन हो रही है, उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पे। इसके अंदर श्री वत्स जी गोस्वामी पहली बार ही वृंदावन में भागवत कर रहे हैं। इन्होंने वृंदावन में भागवत सिर्फ अभी तक श्रीमती हेमामालिनी के घर पे करी है, और उसके बाद पब्लिक में पहली बारी ये कथा सुनाएंगे। और हमारे महाराज जी से बहुत जुड़े हुए हैं, और ये उनकी कृपा है कि उन्होंने कात्यायनी मंदिर को ये भेंट दी है एक तरीके से, और हमें अवसर दिया कि हमें उनकी भागवत सुनने का एक मौका मिलेगा। तो वृंदावन के लिए पहला मौका है, और सबको यही कहूँगा कि भाई आनंद का आनंद लें इनका भागवत सुन के। इसके अलावा शताब्दी समारोह में और क्या क्या आयोजन होंगे? शताब्दी समारोह तो हमारा 1 साल से चल रहा है, उसमें हमने बहुत काफ़ी कुछ किया है। एक तो सबसे पहले हमने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया है जो मंदिर के लिए परमानेंट हो, तो हमने मंदिर के अंदर दीवारों पे सिल्वर लगाने शुरू करी है, चांदी का दरवाज़ा बने हैं। ये तो एक तरीके से हमारी परमानेंट वो हमने करा कि जिंदगी भर हमें याद रहे। और ये उत्सव मना रहे हैं ताकि इसको पूरी पब्लिक को, और हम लोग, हमारा जो संस्था है कात्यायनी ट्रस्ट, पूरी वृंदावन से जुड़े। कब से भागवत शुरू होगी? ये भागवत 29 जनवरी को शुरू होगी, और 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन इसका संपन्न होगी, और इसकी उस दिन स्पेशल पूर्णाहुति होगी 5 फरवरी को। और मुख्य अतिथि कौन कौन लोग होंगे? पूरा वृंदावन मुख्य अतिथि है हमारा, कोई ये तो माँ है, माँ सबसे बड़ी हमारी पूजनीय है, सब कुछ वही है। शोभा यात्रा जो चलती है वो भी मैया के दरबार से चलेगी और व्यासपीठ पे जाके रुकेगी।